हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी आप देख रहे हैं 2 बज गए हैं और मैं उठ चुका हूँ। थोड़ा सुबह जल्दी उठा हूँ क्योंकि मैं रात में पहले सो गया था, 10 बजे के आसपास सो गया था, क्योंकि ट्यूशन पढ़ा के आने के बाद थोड़ा थकावट हो जाता है। उसके बाद मैं 1 आवर रिसेट किया, फिर सो गया, तो अभी सुबह जल्दी उठ गया। और उठने के बाद मैं अभी अपना टेबल लैम्प ऑन कर देता हूँ और टेबल पे जो कुछ भी पड़ा हुआ है बुक्स रात में पढ़ने के बाद, फिर उसे हटाने का मन नहीं करता है, सो अभी उसे हटा देता हूँ, उनके जगह पर रख देता हूँ। और देखो, पढ़ते समय हमारा टेबल और मन जो होना चाहिए एकदम स्वस्थ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, मन में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप टेबल पे अगर जो पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड ही बुक रखा करें, ज़्यादा बुक रखने की हमें ज़रूरत नहीं है। और आप लोग के प्यार और सपोर्ट के लिए यार मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग ने मेरा सपोर्ट किया और मैं ऐसे ही सपोर्ट की उम्मीद करूँगा आगे। और अभी आप देख रहे हैं मेरे हाथ में भीगा हुआ चना है, तो इसे खाते खाते अपना पहला सेशन स्टार्ट करेंगे। चना खाने से थोड़ा सा एनर्जी मिल जाता है और काफ़ी अच्छा है मेरे लिए। फ्रेंड्स, मैं अपना पहला सेशन स्टार्ट कर दिया हूँ और ये काफ़ी लंबा सेशन होता है, लगभग 4 घंटे का होता है। और इतना ज़्यादा समय इसमें इसलिए लगता है क्योंकि मैं इसमें विजन एस का मैगजीन भी करता हूँ और UPPCS को भी ध्यान में रखते हुए उससे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर होता है दृष्टि के साइड से, जो वो मंथली संग्रह करते हैं न्यूज़ का, उसको भी मैं करता हूँ। और देखो, मैं अगर करंट अफेयर पढ़ता हूँ तो अगर मान लो कोई भी न्यूज़ में पढ़ रहा हूँ उससे कोई भी ऐसा टॉपिक मुझे दिख गया जिससे मुझे नोट से रिवाइज करना है, ठीक है, तो मैं उसी समय रिवाइज कर लेता हूँ। उसके मैं बाद में नहीं सोचता हूँ कि मैं बाद में करूँगा, क्योंकि बाद में टाल तो दूँगा पर वो मे भी हो पाए, तो मैं तुरंत उसे रिवाइज़ कर लेता हूँ। उस टेस्ट सीरीज से जो क्वेश्चन है उसे भी देखता चलता हूँ, तो काफ़ी बेनिफिट मुझे मिलता है। तो फ्रेंड्स, विजन एस का मैगजीन का जितना भी न्यूज़ था उसे कंप्लीट करने के बाद फिर अब UPPCS के लिए जो करंट अफेयर है मैं उसको करने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं इसमें मैंने स्टार रेटिंग दिया हुआ, तो अपने से समझ के कि किस न्यूज़ का कितना इंपॉर्टेंस है अपने अनुसार से दिया हूँ। और 90 दिनों में बहुत सारा सिलेबस भी बचा हुआ है, उसको कंप्लीट करना इट्स टू हार्ड बट इम्पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, ठीक है। मैं अगर ठान लिया तो उसे करूँगा ज़रूर। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा सा कठिन होगा, बट इसे मैं करूँगा क्योंकि मेरे लाइफ में मेहनत ही है, ठीक है। बिना मेहनत के मुझे कुछ मिलने वाला है नहीं। आप देख सकते हैं कि मैं कितना ज़्यादा स्ट्रगल करता हूँ अपने स्टडी के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे हैं 6:10 हो गए और मैंने आज का अपना टारगेट कम्प्लीट कर लिया है। दिसंबर मंथ की जो विजन है इसका मैगजीन है वो भी अब कंप्लीट होने वाला है, 2-3 दिन में मैं उसे कंप्लीट कर दूंगा। फिर उसके बाद अभी जब जनवरी महीने का आएगा तो उसे करूंगा, उसके पहले जो बचा हुआ है उसे करूंगा। तो अभी छत पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आया हूँ छत पे और अपना फर्स्ट सेशन करने के बाद, एक लंबा सेशन होता है उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए हमें टहलना पड़ता है। तो मैं छत पे आ जाता हूँ और अभी आप देख रहे हैं यहाँ का लुक तो काफ़ी अच्छा लुक है, सुबह का समय और सन अभी निकल रहा है धीरे धीरे। तो अभी मैं चलूँगा नीचे और एक्सरसाइज करूँगा, उसमें योगा करता हूँ और उसे करने के बाद भी जो मेरा आगे का प्रोसेस होगा मैं उससे स्टार्ट करूँगा। तो चलते हैं हम लोग नीचे। दोस्तों, छत पे आने के बाद आप देख रहे हैं हाल ये कि लाइट चली गई है और मैं जिस मकान में रहता हूँ, भाई क्या करें, अगर सस्ता में रहना है आपको, ठीक है, तो आपको थोड़ा परेशानियाँ उठाना ही पड़ेगा। यहाँ पे लाइट अगर चली जाती है तो इन्वर्टर नहीं है, तो उसके लिए मुझे अपना जुगाड़ करना पड़ रहा है। कैंडल मैं लाया हूँ और उससे स्टडी करूँगा अपना, देखते हैं कब तक आता है। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे हैं हमने अपना सेकेंड सेशन स्टार्ट कर दिया है और कुछ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। और लाइट चली गई है तो क्या करूँ, कैंडल ला के अपना पढ़ाई करना पड़ रहा है, और जब तक लाइट आएगी तब तक तो इंतज़ार कर नहीं सकते हैं क्योंकि मेरा कल का छूटा हुआ है बहुत सारा, उसको कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स, लगभग 1 घंटे बाद लाइट आ चुकी है और अभी आप देख रहे हैं सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है। दोस्तों, जब तक मैं इस रूम पे आया हूँ अक्सर मैं देखा हूँ कि लाइट जो है शाम में 5-6 बजे के आसपास कटती है, बट आज सुबह ही कट गया था तो मुझे कैंडल लगा के पढ़ना पड़ा। कोई नहीं, सब चलता है सब, ठीक है, एक एस्पिरेंट के लिए सब कुछ चलता है, उसके पास ये सब रहना चाहिए कि भाई दबे लाइट चली गई तो हम अपना जुगाड़ करके पढ़ लें।
अभी आप देख रहे हैं 10:10 हो गया है और मैंने आज जितना भी सेट किया था टारगेट उसको कंप्लीट कर लिया, क्योंकि जो मेरा पिछला छोटा था उसे ही मैंने कंप्लीट किया है और थोड़ा सा नए चैप्टर में एंटर किया हूँ। अभी मैं इसको एंड कर देता हूँ और थोड़ा सा ब्रेक लूँगा। फ्रेंड्स, मैं 10 मिनट का ब्रेक लेने के बाद फिर से आ गया हूँ शेड्यूल पे और मैं अपना अभी थर्ड सेशन करने लगा। पॉलिटी को रिवाइज़ कर रहा हूँ, आप इसका टाइमिंग देख रहे हैं। और आज मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, उसमें पंचायती राज के बारे में पढ़ा, तो आज उसी भाग को मैं उठा लिया और उसी को रिवाइज़ कर रहा हूँ। बाकी देखते हैं कब तक होता है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं ये सब पंचायती राज संस्थाएँ, मेंस के लिए भी होता है और उतना प्रीलिम्स के लिए भी होता है। तो फ्रेंड्स, मैं अपना पॉलिटी को रिवाइज़ करने के बाद अभी चल रहा हूँ खाना खाने, क्योंकि अब टाइम हो गया है मेरा खाना खाने का। और इसके बाद मेरा जो फोर्थ सेशन होता है एनवायरनमेंट का, मैं उसे करूँगा। फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे हैं 1:04 हो गया है और बात यह है कि अभी मुझे कॉल आया था, जो जितने लोग को ट्यूशन पढ़ाता हूँ उसमें से एक बच्चा फ़ोन किया था कि सर मुझे अभी पढ़ा दीजिए, क्योंकि जब मैं उसको 4 बजे से स्टार्ट करता हूँ तो वो कहीं जाने वाले हैं, उनके पापा भी आए हैं साथ में। तो अभी मैं चलता हूँ अपने ट्यूशन की तरफ और आप देख रहे थे लाइट भी चली गई है, सो मैं चल रहा हूँ। और यार ऐसा ही होता है कि अगर आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो ना, तो अगर पेरेंट्स फ़ोन करते हैं तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे हैं अंधकार हो गया, मैं ट्यूशन पढ़ा के चल रहा हूँ और अभी 7 बज गए, तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है मुझे। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। बाकी अपना जाने के बाद रूम पे मैं जो 4 सेशन होगा उसे कंप्लीट कर लूँगा, क्योंकि टारगेट छूटेगा तो फिर हमें दिक्कत हो जाएगा नेक्स्ट डे के लिए। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा और आप लोग भी पढ़ते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, और मेरे वीडियो को फुल वॉच करने के लिए एक्स्ट्रा में थैंक यू। बाय बाय।